नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। देखिए संवाददाता मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। परंपरा की सियासत सीधा मानसून की दस्तक के बाद भी गर्म होती जा रही है। बागी और बाही के सियासत के बाद अब सूबे में भगोड़े पर सियासत शुरू हो गई है। गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भगोड़ा बता दिया। वही शेखावत ने बिना देर करते हुए जोशी को भविष्य का भगोड़ा बता दिया। फिर क्या था साहब, सोशल मीडिया पर जुबानी वार पलटवार का तमाशा अब क्राइम ब्रांच और एसीबी का पता बताने तक पहुंच गया। दरअसल फोन टेपिंग का चिन्ह बाहर आने से सूबे की सियासत में एक बार फिर भाजपा कांग्रेस के बीच तीखी तकरार शुरू हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गहलोत सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी को सम्मन भेजा तो जोशी ने पेश होने से इनकार करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत को भगोड़ा बता दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दोनों नेताओं के बीच तलवारें खिंच गई। गजेंद्र सिंह शेखावत जी मेरे बारे में कह रहे हैं, शेखावत जी आपको नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। जो नोटिस मेरे को भेजा गया था वो उस नोटिस के तहत बुलाया नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं, अभियुक्त हैं, आपको कोई समझ ही नहीं है किसी बात की। आप सिर्फ बयान देना, इसलिए बयान दिए जा रहे। मैंने कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया और मैं सही हूं। भगोड़े आप हैं, आप राजस्थान की पुलिस के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान के एसीबी के सामने पेश नहीं होना चाहते, आप राजस्थान की पुलिस से डर रहे हैं इसलिए दिल्ली आकर केस दर्ज करा रहे हैं। आप निश्चित रूप से भगोड़े हैं, अगर आप भगोड़े नहीं होते तो आप दिल्ली आकर केस दर्ज नहीं कराते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की सरकार ने जिस मुकदमे के बाद चर्चा और जिस वॉइस सैंपल मांगने की चर्चा आदरणीय महेश जोशी जी ने की थी, वो मुकदमा उन्होंने सिडेशन की धारा में दर्ज किया और 15 दिन बाद में उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद में उस मुकदमे में राजस्थान की पुलिस अगर मुझसे सैंपल मांगती है तो मैं देने को तैयार हूँ। राजस्थान की पुलिस, मैं तो कहना चाहता हूँ कि भगोड़े एक तरफ तो दिल्ली की पुलिस उनको बुलतलब कर रही है और वो नहीं जाने के लिए 65 साल की उम्र के बयान जो है बहानेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। मुझे तो राजस्थान की पुलिस जो है प्रोटोकॉल दे रही है। राजस्थान के जिले का अधिकारी, आपके जिले का एसपी मुझे प्रोटोकॉल में कल मिलने के लिए आया था। राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं 3 दिन पहले भी राजस्थान में था, आज भी राजस्थान में हूँ, अगले 2 दिन भी राजस्थान में होऊंगा। राजस्थान के किसी भी जिले की पुलिस को अगर मुझसे पूछताछ करनी है, वॉइस सैंपल देना है, मैं बिल्कुल जो है मुझे आए, मैं सहर्ष उनके साथ में जो है खड़े होकर के बातचीत करने के लिए तैयार। शेखावत ने जोशी के अजय माकन से मुलाकात करते हुए एक तस्वीर ट्वीट करते हुए दिल्ली क्राइम ब्रांच का पता बताया और कहा कि मुख्य सचेतक साहब, पता चला है कि आप दिल्ली में हैं। आपकी सुविधा के लिए पुलिस का पता मैंने यहाँ लिखा है। टेबल पर पड़े सम्मन पर भी यही पता है। मीटिंग के बाद इसकी पालना जरूर करें। जिसके बाद जोशी ने भी पलटवार करते हुए शेखावत को एसीबी का पता भेजने की पेशकश कर दी। जोशी ने कहा कि टेबल पर पड़े जिस कागज पर लिखा है कुछ भी पढ़ने में नहीं आ रहा है, उसे मेरा नोटिस बताना सिद्ध करता है कि आपको साजिश के पुर्जे की पहचान व जानकारी है, क्योंकि पूरी साजिश के मुख्य किरदार आप ही हैं और आपके दबाव से ही दिल्ली पुलिस ने मुझे वो नोटिस भेजा था। लेकिन मंत्री महोदय, नोटिस सही धारा में भिजवाया होता तो बिना पता पूछे सिर के बल आपके दिल्ली पुलिस की सेवा में हाजिर हो जाता। आपकी स्वयं की नादानी से ही आपका प्लान चौपट हो गया। भगोड़ा, मानसिक संतुलन बेचारा। खैर, आपको राजस्थान एसीबी के पते की जानकारी नहीं तो मैं भेजू। गौरतलब है कि फोन टेपिंग में राजस्थान एसीबी में केंद्रीय मंत्री शेखावत पर जांच विचाराधीन है, जिसमें कांग्रेस वॉइस सैंपल देने की मांग कर रही है। दोनों सियासी रहनुमाओं के बीच शुरू हुई जंग फिलहाल रुकती नजर नहीं आ रही है। फिर हाजिर होंगे राजस्थान की सियासत की दिलचस्प खबरों और तस्वीरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।